Assalamualaikum everyone, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। इट्स मी राइटिश नक्सा, वेलकम टू माय चैनल। तो जनाब आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इजी से हिजाब ट्यूटोरियल्स, क्योंकि मैं नॉर्मल रूटीन में एक स्टाइल रखती हूँ तो उस पर मुझे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आई कि आप ये वाला हिजाब जो है वो कैसे करती हैं, क्योंकि हम स्कूल गोएंगे कॉलेज गोएंगे हम ज्यादा देर नहीं लगा सकते हैं तो ये हमें बता दें। तो ये पिक्चर्स के ऊपर मुझे सबसे पहले रिक्वेस्ट आई, बाकी सारी पिक्चर्स के ऊपर भी हर एक पे हिजाब ट्यूटोरियल बनेगा, सो टेंशन ही लेनी है ठीक है। मैं इधर ही हूँ। आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया है, आप लोग मुझे वहां पे कर सकते हैं, मैं वहां पे बहुत ज्यादा एक्टिव होती हूँ। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो सिर्फ एक मिनट के अंदर अंदर जो है आपका हिजाब हो जाता है, बल्कि जब आप एक्सपर्ट हो जाते हो ना तो एक मिनट भी नहीं लगता है ठीक है। उसमें कोई पिन नहीं यूज होती है या कुछ भी नहीं यूज होता है। मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे करना है। और एक और क्वेश्चन जो मुझे आने वाला है वो ये कि हिजाब कैप और या आपके हिजाब के अंडर वॉल्यूम कैसे बनाती हैं, तो ये रहा लिंक या ये आएगा आई थिंक। तो ये मैंने डिटेल में बताया हुआ कि कैसे बनाते हैं वॉल्यूम, तो आप लोग ये जाकर चेक कर लीजिएगा। मैं इसी तरह जो है हिजाब के नीचे जो है वॉल्यूम बनाती हूँ ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरी बात यह है कि वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है एंड बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करना है ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियो जो है वो मिल सके। और दूसरी बात ये कि मैं इस हिजाब का करूंगी ठीक है। सबसे पहली बात, अगर एक चीज आप लोगों ने सीखनी है, मुझे जो है वो बेसिकली सिंपल हिजाब अच्छे लगते हैं, मुझे प्रिंटेड हिजाब नहीं अच्छे लगते हैं। बहुत कम होता है मुझे वो प्रिंटेड मैं लूं, वरना मैं सिंपल ज्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना एलिगेंट और थोड़ा सा डिसेंट सी लुक आती है। मुझे प्रिंटेड में पता नहीं क्या होता है, हर किसी अपनी अपनी विश होती है, चॉइस होती है। एक और चीज आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि जब आप लोगों ने हिजाब आपका लाइट है तो आपने कैप जो है वो डार्क पहननी है ठीक है। अगर आपका हिजाब जो है वो डार्क है तो आपने कैप जो है वो लाइट पहननी है, लाइट कलर की पहननी है ठीक है जी। जी मैं आज हम जो सीखेंगे वो ये वाला हिजाब है, ये सिंपल सा, इसका जो लेंथ है ना वो अच्छी खासी चौड़ी है, लंबी है, दुपट्टे जितनी है ठीक है जी। सो ये करेंगे, इसको क्या करूंगी मैं, इसको लूंगी यहां से थोड़ा सा टर्न, क्योंकि इसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा है, ये देखो ना चौड़ाई बहुत ज्यादा है, तो मैंने इसको हल्का सा टर्न किया। टर्न करने से ना जो नोक बनती है मुझे वो भी बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने लिया यहां पे। सो मैं अब आपको नोक बना के दिखाती हूँ। इसमें दो से तीन स्टाइल जो है वो मैं आप लोगों को बता दूंगी कि कैसे कैसे मैं करती हूँ। एक तो है इसका ना आपने इक्वली रखना है, एक तरफ बड़ी रखनी एक तरफ छोटी रखनी है ठीक है, क्योंकि आपका इक्वल आना चाहिए वो चीज। अच्छा ये देखो, जो अकड़े से हिजाब होते हैं ना, कॉटन टाइप का कपड़ा होता है, उनकी बड़ी अच्छी नोक बनती है, आपको किसी पिन की भी जरूरत नहीं रहती है। अच्छा जी ये देखो, सिंपल आपने इस तरह किया ठीक है। मेरा जो नॉर्मल रूटीन में होता है ना वो ये वाला होता है, इसको मैं ऐसे करूंगी हल्का सा, इसको भी ऐसे ठीक है, और इसको हल्का सा टर्न करके ना यहां से मैं हल्की सी चुनर डालूंगी, फिर उसके बाद जो है इसको इसको ऐसे उठा के ना इसके नीचे से गुजार के इधर ले आऊंगी बस ठीक है। अब यहां से हम जो है वो सेट कर लेंगे खींच के, और यहां से ऐसे ऐसे, ये मेरा अक्सर होता है गर्मियों में हिजाब, यू नो थोड़ा सा ना वो भी नहीं लगता है, गर्मी भी नहीं लगती, यहाँ पे थोड़ी सी हवा लगती रही ना, बैलेंस रहता है काम ठीक है। इससे आप आगे भी सारा कवर हो जाता है इजीली, और ये भी कवर हो जाता है ठीक है जी। ये मेरा होता है बेसिक हिजाब जो मैंने किया होता है, जिसका आप लोग इतना पता करते हैं कि आप भी कैसे हिजाब किया है, बहुत इजी है। ये देखें बैक साइड से देखें ठीक है, बिल्कुल सही है, पीछे से भी सही है और आगे से भी, ये इतना लंबा है, काफी ज्यादा लंबा है ठीक है। ये मैं आपको दिखाऊं बैक से, काफी लंबा है। सो ये आपके डिपेंड करता है आपके हिजाब के ऊपर, आपके हिजाब लेंथ। अगर आपने ये चीज नोक वगैरह बनानी है तो आप ज्यादा चौड़े वाले हिजाब लिया करो ठीक है। एक तो ये हो गया हिजाब। अब दूसरा पूछते हैं कि ये वाला कैसे किया है, ये देखें, अब इसी से मैं कितने ज्यादा हिजाब करूंगी। ये किया, ये मैंने इसको निकाल लिया ठीक है। इसको निकालने के बाद ये जैसे हम दुपट्टा सा लेते हैं ना, ये बस इस तरह, बस सिंपल एक ये वाला हिजाब हो गया ठीक है। बेसिकली ना आपकी ये चीज सही रहनी चाहिए, ये बड़ी प्यारी लगती है, ये वाली ना तुर्किश स्टाइल है, तो ये ऐसे, इसमें कोई पिन भी नहीं यूज होती है। आप जो हिजाब कैप है ना उसके ऊपर अच्छे से, बस जब आपने स्कार्फ ले लिया अच्छे से उसके ऊपर हाथ कर लो, ताकि वो थोड़ी सी ना फ्रिक्शन पैदा हो और वो साथ में लगा रहे, चिपक जाए उसके साथ कपड़े के साथ ठीक है। और ये मुझे किसी कैप की भी जरूरत नहीं पड़ी, ना हिल रहा है ना जैसे मर्जी में इसको मूव इजिली मूव हो रहा है। और दूसरा हिजाब ये वाला है कि आप जो है वो कैसे करती हैं, कि अक्सर मैंने थोड़े से फैंसी ड्रेसेस के साथ ना ये वाला हिजाब भी किया होता है। ये मैं, आप
यहां से मैं दोनों को इक्वल करूंगी, ये वाला इक्वल करूंगी। अभी देखो, अभी मैंने सेंटर से लेकर आई हूं अब इसको, ठीक है, ये देखो। मुझे जब तक ये ना बने सही तो मुझे बहुत ही अजीब सा लगता है, मुझे वो चिपके चिपके से ही जाप नहीं अच्छे लगते हैं, ना मुझे अच्छी लगती हैं ज्यादा पिंस यूज करना, बहुत ही अजीब सा लगता है। अच्छा जी, ये मैंने ऐसे किया और ये मैंने ऐसे किया और इसको मैंने ऐसे किया अंदर, ठीक है जी, और ये पीछे हो गया हिजाब। और ये मैं अक्सर जो है, जो मैंने ड्रेसेस पहने होते हैं शिफॉन, कोई फैंसी ड्रेसेस इवेंट्स के ऊपर, तो ये वाला हिजाब होता है अक्सर। ये देखिए, यहां से आपने सेट कर लो। अगर आप लाइक अभी स्टार्ट किया है हिजाब, तो आप यहाँ पे पिंस भी लगा सकती हैं, ठीक है, दो पिंस लगा लो बस, इसके अलावा जो है इतना काफी है। तो ये भी देखो, बैक पे बिल्कुल एक अच्छी सी लुक आ जाती है, ठीक हो गया, एक तो ये हो गया। अब मैंने तीन हिजाब जो है एक ही तरह से करके दिखा दिए, ठीक है, बहुत एलिगेंट सी लुक आती है। बस आप ये देखा करो कि ज्यादा जो है वो सिंपल हिजाब लिया करो और वो ज्यादा प्यारे लगते हैं। एक और चीज है जिनको ये प्रॉब्लम होती है कि हमने ये चीज नहीं दिखानी, नेक नहीं दिखानी, तो वो ऐसे करेंगे, वो यहां से रख के इसको ऐसे करके सिंपल इस तरह कर लेंगे, ठीक है, यहां पे आप पिन लगा सकते हो। ये बात ध्यान रखनी है कि आपका ये वाला जो पल्लू है ना, ये इस वाला चीज जो है अक्सर लड़कियों को मैंने देखी है, वो यहां पे होती है, यहां पे अजीब लगती है, इतनी इतनी उड़ती हुई हल्की सी ना, ये आपका पूरा ऐसे होना चाहिए। आप ये चीज छोटी कर लो, ये चीज अंदर आ जाएगी आपके, लेकिन ये चीज जो है ना, ये आपने पूरी की पूरी लेंथ रखनी है जहां तक आपका हिजाब है। अब यहां पे आपको एक पिन की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ आपका जो फैब्रिक है ना उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको जॉर्जेट का या किसी भी फैब्रिक का हिजाब लेना है तो मुझे वो भी बता देना, मैं वो भी आप लोगों को बता दूंगी। अच्छा, एक तो ये वाला हिजाब हो गया सिंपल, तो ये वाली चीज है, ये आप इसको अंदर डाल सकती हो ऐसे, तो ये चीज बड़ी आपकी ना ऐसी वाली लुक आ जाएगी, ये देखिए, ठीक है जी, इससे आगे से भी कवर हो जाता है आराम से और पीछे से भी कवर हो जाता है, ये देखिए, ठीक हो गया। सो बहुत इजी है, आराम से आप लोग जो है ये सारे हिजाब कर सकते हैं। तो ये हमारे हिजाब थे जिसमें आप कोई पिंस यूज नहीं करनी पड़नी, बहुत बेसिक हिजाब स्टाइल जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये पसंद आई होगी। नेक्स्ट हम सीखेंगे इवेंट्स के ऊपर कैसे हिजाब करने हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल जो है वो कैसे हम लोग यहाँ पे एक्सेसरीज लगती है हिजाब स्टाइल्स, और इसके साथ साथ जो है मैचिंग अगर जो है ये चीज करनी है तो वो कैसे ट्रिक्स होते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगी। वेट अ मिनट, अभी जो है एक और सरप्राइज है आप लोगों के लिए कि इसमें जो है मैं एक क्रिम्प हिजाब ये वाला गिव अवे करूंगी, और इसके साथ रूल्स क्या होंगे, रूल्स जनाब ये होंगे कि आप लोगों ने सिंपल इस वीडियो के नीचे जो है वो कमेंट्स करने हैं, कोई भी दुआ लिख दें, ठीक है, कुछ भी अच्छी बात लिख दें, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम लोग जो है वो रैंडम ऐप से जो है वो डिसाइड करेंगे नेम उस बंदी का, और इसके बाद जो है मैं मैसेज कर दूंगी इनको वहां पे कि मुझे जो है इंस्टाग्राम के ऊपर अपना डिटेल्स सेंड कर दे, तो इंशाल्लाह ये आपके पास आ जाएगा जी। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी वीडियो, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।